बिना एनओसी का होगा नहीं, वो एनओसी देने के लिए तैयार नहीं है। इस बात पर जगह जगह गांव गांव में विवाद है, कई जगह तो नापी जोखी के लिए आरी बांधने के लिए मारपीट भी हो गया है। सरकार के आदमी ही नहीं होने दे रहे हैं, पहले सरकार अपने आदमी को ना ठीक करे। 3 महीना हो गया अभी, बहुत सारा अप्लाई जो 1 महीना पहले किया उसका आज तक नहीं, कोई ना कोई कागज का रंगा लगा के कर देते हैं। जितने कानून गो ये सब जितने आए हैं वो प्रखंड लेवल पे पहले तैयारी करना चाहिए सब, माने वंशावली का तो हेडेक है ही। नमस्कार, मैं हूँ प्रहलाद कुमार और आप देख रहे हैं बिहार तक। देखिए, बिहार में भूमि सर्वे का काम शुरू हुआ था, हालांकि जमीनी स्तर पर कुछ समस्याएं होने के कारण फिलहाल वो 3 महीने के लिए रोक दिया गया, ताकि जो समस्याएं हैं उसका पहले निदान सरकार अपने स्तर से कर ले, फिर जमीन सर्वे का काम आगे शुरू होगा। ये जो वक्त दिया गया है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जमीनी स्तर पर, बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उन्हीं लोगों से बात करेंगे कि आखिर क्या परेशानी हुई कि सरकार को ये काम को रोकना पड़ा, और जो जमीन सर्वे हो रहा है उससे कितना फ़ायदा और कितना नुकसान है लोगों को, ये जानने का प्रयास करें। ये बताइए सर, आप तो मुखिया हैं पंचोब के, तो आपके पास जनरली कोई समस्या आता है, सबसे पहले सरकार का जो सर्वे का काम है उस पर आप क्या सोचते हैं ये बताएं, फिर हम बात करेंगे क्या समस्या। देखिए, सर्वे बढ़िया चीज़ है, अगर सर्वे सही मायने में और सही तरीका से हो जाए तो सर्वे बढ़िया चीज़ है। लोगों का जो आपसी विवाद है या प्रॉब्लम्स है ज़मीन खरीद बिक्री में, वो सब सॉल्व होगा। लेकिन उससे पहले सरकार को चाहिए जो सबके नाम से कागज़ अपडेट करवा दे, जो नहीं हुआ है। आज हम लोग गांव में रहते हैं, सुबह से शाम तक यही विवाद केवल आजकल हो रहा है। जो ज़मीन मान लीजिए मेरे परबाबा के नाम से खतियान है, और खतियान है तो हमारी बुआ के बुआ जो हैं जिनको हम आज तक देखे नहीं, उनका बेटा आके कोई ज़मीन बेच दे रहा है, कोई ज़मीन कर रहा है। सरकार कह रही है जब जितना वंशावली बनाइएगा उसमें जितनी बेटियां हैं वो उनको आप दीजिए, अब वो अपने मर गई, अब उनका बच्चा लोग है, तो वो विवाद खड़ा है उसमें। और उससे भी ज़्यादा विवाद खड़ा है जो मान लीजिए कोई 4 भाई है, उसमें से एक भाई अपना ज़मीन आज से 10-15 बरस पहले बेच दिया, उसका धियापुता चला गया दिल्ली पंजाब कहीं शिफ्ट कर गया। अब जो सर्वे हो रहा है तो सारे लोग धमक के आया है कि नहीं अब इसमें हमको भी शेयर चाहिए, और बिना एनओसी का होगा नहीं, वो एनओसी देने के लिए तैयार नहीं है। इस बात पर जगह जगह गांव गांव में विवाद है, कई जगह तो नापी जोखी के लिए आरी बांधने के लिए मारपीट भी हो गया है। तो आजकल हम लोगों को भी परेशानी हो गया है दिन रात यही झगड़ा सुलझाने में, जो उसका ज़मीन वो जोत लिया, उसका ज़मीन वो दखल कर लिया। तो जब तक सरकार पहले पेपर अपडेट कर दे, और सबसे बड़ी बात है इस काम के लिए अब सारे लोग पूछते हैं जो अब तो कराना ही होगा, सब कर्मचारी खूब पैसा कमा रहा है। इतना नहीं, जो सर्वे वाले आए हैं वो लोग भी कहते हैं जो कुछ शनिचरा दे दो तो बढ़िया से सर्वे करेंगे। अब लोग जिसका ज़मीन अपना नहीं है, आप मैंने या अपने शेयर बेच लिया है, भाई के शेयर में लेना है, वो जाके उनको भी दे रहे हैं कि भाई अब अगर कुछ दे देंगे तो हो सकता है कुछ सर्वे मेरे नाम से हो जाए। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे मान लीजिए बाबा हैं, वो ज़मींदार थे, बहुत बड़ा ज़मींदार थे, वो रैयत को बसाए, वो रैयत बस गया, कुछ रैयत का तो बासगीत पर्चा मिल गया और कुछ को बासगीत पर्चा नहीं मिला। अब सरकार उससे सबूत मांगती है जो आप जो इस ज़मीन पर हैं तो कैसे हैं, उसका कोई बंदोबस्त हो, कोई पर्चा हो, कोई कागज़ हो, कोई सर्वे हो तो दीजिए। तो सर्वे के बाद, सर्वे 71-72 में हुआ, उसके बाद मान लीजिए उसको दिया गया तो उसको सर्वे में कहाँ से नाम आएगा, अब वो 25-30-50 बरस से उस पर घर बना के रह रहा है। अब जो है मालिक भी जिसके पास में 50 बीघा ज़मीन था, आज उसके पास में 2 बीघा ज़मीन है, 3 बीघा ज़मीन है, बंटवारा होते होते उसके पास बहुत कम बचा है। ज़मीन महंगा हो गया है, लोगों में लालच जग गया है ना, हम काहे इसको 2 कट्ठा देंगे, 2 कट्ठा हम बेचेंगे तो 5 लाख रुपया हो जाएगा, 10 लाख रुपया हो जाएगा। तो ये सब चीज़ को पहले सरकार फरियाले,
जो किस तरीका से किसको कैसे हो, जो आदमी जैसे बहुत दिनों से बसा हुआ है उसको उसका कागज बना दे, जो आपसी बंटवारा हो गया है, मान लीजिए एक भाई अगर शेयर बेच लिया है तो उस भाई के शेयर निकालने का कोई ऐसा प्रोग्राम बना ले, जो आदमी बेच लिया है उसका केवाला उसका रजिस्ट्री लेके उसको वंशावली में सर्वे से अलग किया जाए। इस सब तरह के जो बचा हुआ जमीन है, बहुत ऐसे भी हैं जो पिछले सर्वे का जो अनुभव है लोगों को, जो अभी भी पुराना सर्वे के आधार पर उनका जमाबंदी चल रहा है, जब वो जाते हैं इसमें अब पेपर खोजबीन करने तो पता चलता है कि जो वो जमीन तो जमाबंदी भी चल रहा है, रेवेन्यू भी दे रहा है सरकार को, और उसका नया सर्वे में कागज़ निकल रहा है बिहार सरकार गणमजरुआ खास करके। मान लीजिए उसमें बहुत आदमी ऐसे भी हैं जो मेरा ज़मीन है हम जोत रहे हैं, पुराना सर्वे मेरे नाम से है और नया सर्वे वो किसी और के नाम से कर दिए हुआ है, अब वो लिटिगेशन एक अलग है। तो इस तमाम मैंने पिछला जो नवका सर्वे जिसको कहते हैं जो 71-72 में हुआ उसकी खामियाजा भी अब रैयत को भुगतना पड़ रहा है, जो जमीन बंटवारा हो चुका है पूर्वजों द्वारा उस पर एक झंझट है, और सबसे बड़ा झंझट है जो भाई बेच के चला गया है उसकी हिस्सेदारी दावेदारी, और जो पूर्वजों का बहन है, मान लीजिए ठीक है हमारी संपत्ति में हमारे बहन का होना चाहिए, लेकिन हमारे मैंने पिताजी के दीदी जो हैं बुआ हमारे बाबा के जो बहन हैं, अब उनको हम कहाँ खोजने जाएं, वो तो मर चुकी हैं, तो उनके बच्चे लोग अब सब साइन करने के लिए तैयार नहीं हैं, कुछ जो लालची नहीं हैं वो साइन करते हैं, जहाँ लालची लोग हैं वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये नहीं है हर एक परिवार में प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं भाई हमको नहीं, जो उनका चीज़ है उनका है। दूसरी तरफ भाई कहता है जो बहन के शादी में तो हमारे पिताजी ज़मीन बेच के लगा चुके हैं, उसका शेयर उसमें बिक गया, सरकार कहती है तो ज़मीन तो बेचे आपके पिताजी आपकी माँ, तो उसका शेयर कैसे हुआ, उसका शेयर अब देना होगा। तो ये सब प्रॉब्लम जो है ये घर घर में झगड़ा का हो गया है, लालच जिसको नहीं लालच है वो भी उसको उसमें भी लालच जग रहा है, तो सरकार पहले इस सब को सॉर्ट आउट कर ले, और इस सब तमाम बातों को सॉर्ट आउट करके अगर सर्वे हो जाता है, जो ज़मीन जिसके नाम से है उसके नाम से कागज़ बन जाता है पासबुक हो जाता है, तो यह अच्छी बात होगी, जो बचा हुआ संपत्ति है। और इसी बहाने जैसे मान लीजिए हम अपने बात कहते हैं, हाँ, हाँ? हम वही चाह रहे थे कि आप अपना करवाएं कि नहीं मुखिया जी, चूँकि आप भी एक ज़मींदार परिवार से आते हैं, आपको कोई परेशानी हो रही है? हाँ, जैसे हमारा अपना ही है तो हम लोग तो यही सोचते थे जो भाई हमारा कोर्ट से बंटवारा है और हमारे बाबा जो है सो बड़वरदा कोर्ट से बंटवारा बना के बड़वरदा बनाए थे, तो जिसके हिस्से में जो ज़मीन है वो ज़मीन हम लोग जोतते हैं। अब वो जो इस सर्वे हो रहा है जब उसको खोजबीन में गए हैं तो पता चलता है ये हमारे बाबा के एक दूसरे भाई के नाम से ज़मीन है जो मेरे हिस्से में है, ये हमारे एक कोई चचेरा चचा हैं उनके नाम से ज़मीन है जो हिस्सा में बड़वरदा में मेरे इस नाम से है। अब वंशावली में सर्वेयर कहते हैं जो नहीं सबसे NOC ला के दीजिए, हमको पंचनामा बना के दीजिए। अब मान लीजिए उसमें से वो आदमी तो अब मर चुके हैं, उनके बच्चे के बच्चे लोग हैं, तो अब वो लोग को उसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो नए जो बड़वरदा है ये हमारे पिताजी बेचे हुए हैं इसमें इनका हिस्सा बाकी है लिख देते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो कहते हैं ना वो आप जानिए नहीं हमारे नाम से करेगा तो हमारा होगा, सर्वेयर वो मान नहीं रहे हैं, और इसी नाम पर बहुत जगह बार्गेनिंग भी चल रहा है, जो हमारे बिहार के राजस्व मंत्री भी ये बात स्वीकार किए हैं, जो सर्वे शुरू हुआ एक महीना भी नहीं हुआ फॉर्चूनर गाड़ी कुछ लोग खरीद लिए हैं सर्वे कर्मी, तो कि फॉर्चूनर सही में वो खरीद लिए होंगे, मतलब करप्शन भी शुरू है इसके साथ साथ। ठीक है, तो मतलब जो समस्या का समाधान के लिए ये निकाला गया था सर्वे की समस्या, जो जमीनी विवाद होता है हत्या होती है उसके लिए निकाला गया था, लेकिन मुखिया जी का कहना है कि इसमें और ज़्यादा व्यवधान पैदा हो रहा है, घर घर में जो है लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, कुछ जगहों को अगर छोड़ दिया तो, आप कितना सहमत है ये जो बता रहे हैं? नहीं 100% सही बात बोल रहे हैं, सरकार इसको अचानक लागू कर दिया, सरकार की मंशा क्या है, बंटवारा होना है कि खून खराबा होना है, यह सरकार इस पर विचार नहीं किया, या इस पर आम आदमी से पंच माने
प्रखंड स्तर पर इस पर एक माने परिचर्चा करके इस तरह के नियम को बनाना चाहिए और कैसे कैसे जितनी भी कमियां हैं सरकार को सट आउट पहले अपने नज़र में करना चाहिए था, सरकार की नहीं और सीधा इसको लागू कर दिया कि आप इतना दिन के अंदर एक महीना के अंदर अब सारा कर दीजिए। जो खाजियामा आप हो गया कि अब किसी का कागज़ नहीं मिल रहा है, पुश्तैनी ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा नहीं हुआ, उस बंटवारा करने के लिए है भी नहीं, जो ज़मीन बेच लिया वो भी हिस्सेदारी मांग रहा है, तो ये लफड़ा है। CO और पुलिस इस काम को करने के लिए पहले से भी नहीं तैयार थे, अभी नहीं तैयार हैं, मना करते हैं। हाँ, जहाँ जो पैसा दे देता है गलत आदमी उसका ज़मीन वो अपना कर काम करके चले जाते हैं जो डिस्प्यूट रहता है। तो सरकार को पुनः इसको लागू करने के लिए जो 3 महीना के बाद लागू करें, इसको टोटल बैठक करके हर जिला में माने एक एक बिंदु पर चर्चा होनी चाहिए कि क्या क्या माने इसमें बाधाएं आ रही हैं और वो बाधा कैसे दूर होगा, ये सरकार को करना पड़ेगा, तभी ये सर्वे हो पाएगा, अदरवाइज सर्वे नहीं हो पाएगा। क्या लगता है जो 3 महीना का वक्त सरकार ने लिया है, 3 महीना के बाद अगर फिर से सर्वे का काम शुरू होता है तो लगता है कि स्मूथली हो जाएगा? सरकार के आदमी ही नहीं होने दे रहे हैं, पहले सरकार अपने आदमी को ना ठीक करे। 3 महीना हो गया, अभी बहुत सारा अप्लाई जो 1 महीना पहले किया उसका आज तक नहीं, कोई ना कोई कागज़ का रंगा लगा के कर देते हैं। पहले तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बनावे, जो भी कर्मचारी अधिकारी या जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हैं, हाँ, जो भी जमाबंदी से लेकर जो भी पेपर है जिसमें ये अधिकारी संलग्न, इसको पहले तय करना चाहिए, इन पर जिम्मेवारी तय होनी चाहिए कि अगर ये काम नहीं होता है तो इन पर भी FIR हो, इन पर भी प्रशासनिक कार्रवाई हो, तभी कुछ हो पाएगा। और गाइडलाइन सरकार को बनाना होगा एक एक बिंदु पर, नहीं तो सर्वे का कोई भी बंटवारा नहीं हो पाएगा, सर्वे झूठा सर्वे जाएगा, जैसे अन्य सर्वे करते हैं वैसे ही सर्वे जाएगा। तो क्या लगता है कि सरकार जो है लोगों को इन्वॉल्व करके इसका फायदा नहीं देख सकता कि आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, सरकार कर ही नहीं रहे ना, सरकार लोगों को इन्वॉल्व कहाँ कर रही है, सरकार तो आदेश कर दिया और अपने पूरे गांव में दो एक अमीन एक तीन आदमी का बना दिया, 3 आदमी पूरे गाँव का या शहर का कर लेगा, पूरा प्रखंड का कर लेगा, सवाल ही नहीं। ये सब चीज़ प्रदीप गुप्ता। तो ये प्रदीप गुप्ता थे, हम कुछ लोगों से और भी बात करेंगे। ये बताइए सर कि आपने 2 लोगों का बात सुना, आप कितने सहमत हैं? क्या लगता है सरकार जो अपनी इच्छा जता है ये ज़मीन सर्वे को लेकर के, वो कह रही है कि ज़मीन को लेकर काफ़ी खून खराबा होता है, तो इसमें भी एक कमी आएगी? या दूसरा, जो ज़मीन है उसका रियल सरकार के पास भी डॉक्यूमेंट्स आएगा और जो ज़मीन बचेगा वो फ्रेश आपके पास होगा, कहीं कोई लफड़ा नहीं होगा? क्या कहना चाहेंगे आप? तो चूँकि 3 महीने का वक्त भी दिया गया पेपर के लिए। देखिए, 3 महीना के वक्त से नहीं होगा, सर्वे स्टार्ट हो गया, बिना कोई तैयारी किए हुए सर्वे स्टार्ट कर दिए। पहले जमाबंदी फूटेगा तब ना सर्वे होगा, बिना जमाबंदी का फूटेगा। अब आप जैसे मेरा प्रॉब्लम है, जो मान लीजिए 6 गो दियाद हैं, तो अब 6 दियाद हैं तो ठीक है, तो वंशावली के आधार पर मेरा आप ज़मीन अब इसको बांट दीजिए, तब उसमें 2 पार्टी नहीं तैयार हो रहे हैं, वो हम नहीं साइन करेंगे, चूँकि वो बेच चुके हैं ऑलरेडी अपना हिस्सा सारा। जब वो बेच चुके हैं तो वो साइन नहीं करेंगे, तो साइन जब मैं CO के पास गया, अब नाम नहीं कहना चाहता हूँ, तो CO के पास गया तो बोला क्या कि नहीं, हर एक पार्टी से साइन करा के आप हमको मैंने दीजिए, तब हम जमाबंदी फुटाएंगे, अन्यथा हम नहीं फुटाएंगे। मान लीजिए 6 आदमी में से 5 आदमी तैयार है साइन करने के लिए, जमाबंदी पहले फूटेगा। मेरे पूर्वज का ज़मीन है, परदादा के नाम से ज़मीन है, ठीक है, वंशावली बनाए, सब कुछ बनाए, उसके बाद वो पार्टी नहीं होगा। तो जब तक ज़मीन मेरा फूटेगा नहीं, तब तक मैंने सर्वे होगा कैसे, सो मैंने ये बताइए, मैंने कैसे मेरे नाम से खतियान खुलेगा? बहुत जमींदार साहब हम लोग के यहाँ बहुत सा ऐसा था, बदलेन कर लिए, मेरे बदला में मैंने ये यहाँ रह लिए, वहाँ मैंने अथी कर लिए, और वो रजिस्ट्री नहीं हो सका। अब वो मान लीजिए अब जो सर्वे हो रहा है, अब जो खतियान उसके नाम मेरे नाम से है, मेरा ज़मीन हम बदलेन कर ले लिए मैंने दूसरे जगह, तो वो तो अब मैंने उसके नाम से वो कहेगा जो हम मैंने हम बदलेन किए, तो बदलेन का कोई सबूत नहीं है, तो नहीं सबूत है तो ज़मीन किसका होगा? मान लीजिए जो जहाँ है मान लीजिए उसका होगा, या हम किसी गरीब को बसने के लिए दे दिए, तो उसका तो खा मैंने रजिस्ट्री नहीं किए, तो नहीं किए तो अब वो ज़मीन मेरा हो गया। अब इस मैंने ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम है, जो ये जितने कानून गो ये सब जितने आए हैं वो प्रखंड लेवल पे पहले तैयारी करना चाहिए, सब मैंने वंशावली का तो हेडेक है ही, और उस पर कहते हैं जो वंशावली अब बाद में जैसे जैसे नियम चेंज होते गया, पहले कहे कि जब ब्लॉक से बनाइए और हर एक का आधार कार्ड लाइए, तो आधार कार्ड ढूंढते उस पर साइन करा के लाइए,
बनाइए, तो कोई साइन करना नहीं चाहता है, तो नहीं चाहता है तो उसके बाद बोले जो स्वतः बनाइए, ठीक है मैं हम मैंने स्वतः ही बनाएंगे, तो कैसे होगा सो मैंने ये बताइए। जो सरकार के पास जब ब्लॉक में जाते हैं तो न पुराना अथी है कोई क्या कहते हैं नक्शा है न नया नक्शा है, तो ब्लॉक में या पंचायत स्तर पर सारा कागज खतियान रहना चाहिए। जो हम ये खतियान मान लीजिए अब चार भाई हैं, एक भाई के पास सारा डॉक्यूमेंट्स है वो देना नहीं चाहता है, तो हम मान लीजिए हम बोक रहे हैं, अभी जाते हैं सर्वे ऑफिस में तो कोई मैंने खतियान निकालना चाहते हैं तो पता चलता है जो मैंने पैसा वो पहले जमा कर दीजिए 2000 रुपया पहले जमा करिए वो खतियान का, तब हम आपको देंगे, मिलेगा नहीं मिलेगा उसके बाद हम देंगे। तो हम अभी मान लीजिए हमारे छः गो पार्टनर है, तो छः पार्टनर में से दो पार्टनर अपना हिस्सा बेच चुके हैं, आप बेच चुके हैं तो उस स्थिति में वो कैसे होगा। मान लीजिए मेरा 10 बीघा हिस्सा बना और इनका बना 10 बीघा, तो ये 15 बीघा बेच चुके हैं, तो ये शॉर्ट आउट कैसे होगा। जब 15 बीघा जो बेच चुके हैं वो अपना हिस्सा बेचे हैं ना, तो वो कैसे होगा। आप मान लीजिए मैंने जितने पूर्वज हैं मान लीजिए जिसको आप कह रहे हैं जो हर एक का नाम दीजिए स्वतः, तो ठीक है तो हर एक आदमी नाम तो वंशावली में दे ही रहे हैं, लेकिन जमीन बटेगा कैसे। मैंने बहुत खतियान नहीं है घर में, हम लोग के पास नहीं है, या हम लोग नया जनरेशन के हम लोग को उतना जानकारी नहीं है, जिसको जानकारी नहीं है हमारे दादा के नाम से था परदादा के नाम से था वो जमीन मैंने तो इस सब पर तो हो रही है कि ओवरऑल जो समस्या वो लोग के सामने रख रहे हैं, आपकी अपनी भी कोई समस्या है इससे जो या नहीं इसका फायदा आपको दिख रहा हुआ है। नहीं हमारी ही मैं अपना ही प्रॉब्लम बता रहा हूँ, जो हमारा ही प्रॉब्लम हम बौख रहे हैं उस दिन से, जो मान लीजिए वंशावली के आधार पर आप हमारा जमीन बांट दीजिए तो उसमें ये पार्टी तैयार नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है तो कैसे होगा। और मैंने कुछ का खतियान नहीं मिल रहा है, किसी का खतियान दूसरे के नाम से खुल गया है, तो उस स्थिति में हम तो खुद परेशान हैं, हमको कागज डॉक्यूमेंट्स खोजते सर्वे ऑफिस से लेके दरभंगा मतलब ये रजिस्ट्री ऑफिस में उसको नकल निकालने की कहीं कोई कागज का व्यवस्था नहीं है। सरकार को करना चाहिए जब पंचायत स्तर पर सारा मैंने दस्तावेज प्रूफ में ये दे देना चाहिए, जब हम जमीन का खाता खेसरा बोले तो वो मैंने डॉक्यूमेंट सरकार के पास रहना चाहिए। ऑनलाइन में आप जाइए नहीं, ऑनलाइन में पता चला जब खाता दूसरे आदमी के नाम से खुल गया, हमारा पुश्तैनी जमीन है, तो ये बहुत सा टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो बहुत अच्छी चीज़ है, सर्वे हो जाएगा तो ऑनलाइन हम अमेरिका से भी बेच सकते हैं, लेकिन पहले बंटवारा होगा, कागज होगा तो अब ना होगा कैसे होगा। और जितने अभी 11 महीना के लिए मैंने लाए हैं जितने कर्मचारी 11 महीने में क्या करेगा, सब पैसा ही मांगता है, पैसा का दखा छोड़ दीजिए, पैसा दीजिए तो सब कुछ होगा, लेकिन होगा कैसे होगा। वो भी पार्टी पैसा देता है मेरे नाम से खतियान, मान लीजिए आप नापी है जैसे हम लोग का मान लीजिए ज़्यादा जमीन है, तो ज़्यादा जमीन है 10 कट्ठा है तो मना बगल वाला आरी धकिया के उसको 6 कट्ठा कर दिया है, सर्वेयर आएगा उसको 6 कट्ठा का प्लॉट काट देगा, तो हम 10 साल तक लड़ते रहेंगे मेरा वो जमीन 6 कट्ठा ही हो जाएगा, कैसे होगा। मतलब कि समस्या का समाधान फिलहाल आपको दिखाई नहीं दे रहा, नाम भले सर्वे अच्छा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। क्या नाम हुआ? विनोद यादव। ये विनोद यादव से क्या कारण का बात है जो मेरे में हम जो फील किए हैं, सबसे पहले सरकार पुराना सर्वे का जो खतियान है जो दरभंगा रिकॉर्ड रूम से गायब है, बहुत सारा कुछ है बहुत बचा हुआ डैमेज लेकिन अधिकांश गायब है, तो वो पटना या रांची में मिलेगा जो स्ट्रांग रूम है, तो वहाँ से पुराना सर्वे का जो खतियान है पंचायत वाइज पहले सरकार वो अवेलेबल करा दे। दूसरा जो वर्तमान में जो लोग गांव में रह रहे हैं वंशज और जो जमीन अभी तक अपना बचा के रखे हुए हैं उनके बीच उनके नाम से जमाबंदी कायम करे, उस आधार पर नया सर्वे जो हुआ था जो नोट फाइनल लिख के खतियान आता है नेट पर, उस सर्वे तो बहुत ही आग लगाने वाला है, जो ओरिजिनल जमीन है उसको भी बिहार सरकार किए हुआ है, जो बिहार सरकार है उसको ओरिजिनल किए हुआ है, इसमें कुछ भू माफिया लोग जो था जमीन ब्रोकर टाइप का जो लोग था वो लोग पुराना सर्वे का जो बिहार सरकार जमीन था या अनावाद जमीन था उसको भी वो पैसा खर्चा करके कैसे कैसे जाली कागज बना के ओरिजिनल करवा लिया, और बहुत ऐसे लोग हैं जिनका कि पुराना सर्वे में सब कुछ अपडेट था उस आधार पर आज तक वो खेत जोत रहे हैं घर बना के रह रहे हैं, लेकिन नया सर्वे जब निकालने जाते हैं तो ये 50% की 60% ऐसे मकान है घर भी है
जिस पर घर बना हुआ है उसको आप निकालिएगा तो नया सर्वे में वो बिहार सरकार निकल रहा है। बहुत खेत है जो जो पूरा खेत चारों बगल ठीक है, आप बीच में बिहार सरकार निकल रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व होगा पुराना खतियान से, सरकार पुराना खतियान को गाइडलाइन मान के करे। दूसरा, जो ये जो वंशावली या बंटवारा या ज़मीन जो बेच लिया है उसकी हिस्सेदारी, ये तमाम बात का पंचायत स्तर पर सो एक कमिटी बना के और पंचायत स्तर पर इसका सोल्यूशन लेके और उसके बाद अगर निदान करे तो सर्वे हो सकता है और सर्वे अगर हो जाने से लोगों को फायदा ही होगा। देखिए, ये राजीव मुखिया जी ने सरकार को सलाह दिया कि होना क्या चाहिए था, क्या करें। हमारे साथ एक और हैं, ये बताइए नाम क्या हुआ आपका? रितेश कुमार सिन्हा। रितेश जी, ये बताइए कि आपने बाकी लोगों का सुना, सबसे पहले तो क्या आप अपना ज़मीन करवा पाएँ सर्वे में या फिर ने जो मोहलत मिला है उसमें आप करवा पाइए? हम लोग शहरी में आते हैं और अभी हम लोग का शुरू नहीं हुआ है हम लोग के वार्ड में, लेकिन जैसा देखते आ रहे हैं कि ये जितने दिन से शुरू हुआ है विवाद से ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा है, केवल और घर घर में विवाद ही नज़र आ रहा है। आए दिन सुनने में आ रहा है कि यहाँ मार हो गया, वहाँ मार हो गया और ये वंशावली को लेकर सबसे ज़्यादा विवाद खड़ा हो रहा है। तो ये सर्वे सफल होता हुआ कहीं से दिख नहीं रहा है। सरकार का एक योजना है जो पूरी तरीके से सबको उलझा के पूरे फैमिली को और समाज को रख दिया जाए, इससे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या लगता है, मन में आशंका है चूँकि आप शहर में निवास करते थे कि कभी अगर शहर में सरकार जब आएगा सर्वे का तो हो जाएगा आपका, आपका ज़मीन का क्या स्थिति है? देखिए, हमारे नज़र में अभी तक तो हमारे नज़र में हमारा ज़मीन सही है, लेकिन जब सर्वे होगा, अब ज़मीन हमारे दादाजी के नाम से था, फिर पापा हमारे चाचा लोग बंटवारा हुआ, लेकिन अभी क्या स्टेटस है, जब सर्वे शुरू होगा एक्चुअल पोजीशन उस समय पता चलेगा कि आखिर हमारा ज़मीन पिताजी के नाम से जो था वो किस लेवल पर आके रुका हुआ है, सही है या नहीं है। कोई मन में शक शंका? हाँ, शक क्यों नहीं है, हम लोग तो उसका करवा चुके हैं, रजिस्टर 2 में भी चढ़वा चुके हैं, लेकिन अभी जो इतना प्रॉब्लम नज़र आ रहा है इससे मन आशंकित तो है ही कि कुछ भी हो सकता है आने वाले समय में। ठीक है, तो ये थे रितेश जी जिन्होंने बताया। हमने कई लोगों से बात की, अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी राय प्रतिक्रिया दी कि ज़मीन सर्वे में कुछ लोगों ने सुझाव भी दिया, कुछ उन्होंने अपनी परेशानियां ही बताई। हम यूं ही ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए ज़मीन की समस्याएं आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए बिहार तक के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।